कुल्लू जिला में बाढ़ के बाद रेस्टोरेशन का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें ब्यास नदी में बाढ़ के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 को रेस्टोरेशन के लिए एनएचएआई की मशीनरी कार्य कर रही है। इसके साथ ही पार्वती घाटी, सैंज, समेज और बागेबुल में मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जिला के अधिकतर क्षेत्रों में आने जाने के लिए अस्थायी तौर पर पैदल पुल, झूला पुल लगाकर आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है और समेज और बागीपुल में लापता 11 लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है और निर्मंड उपमंडल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली पेयजल की सुविधा बहाल कर दी गई है और मलाणा में बिजली बाधित होने से गांव अंधेरे में है। ऐसे में मोबाइल टावर बंद होने से कम्युनिकेशन टूट गया है, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से 2 टीमों के माध्यम से दवाइयां और डीजल भेजा गया है, जिसमें गांव में मोबाइल टावर को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने कहा कि कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा मनाली लेह नेशनल हाईवे को नुकसान रायसन, शिरडा और बिंदु ढांग के पास हुआ था। उसको वन वे ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है और इस सड़क पर नेशनल हाईवे के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैंज घाटी में बाढ़ से जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उसका आंकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में सबसे ज्यादा नुकसान निर्मंड उपमंडल के समेज गांव और बागीपुल गांव में हुआ है। उन्होंने कहा कि बागीपुल से 2 लोगों के लापता होने की आशंका थी, वो अब कंफर्म हो गई है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो क्लाउड बर्स्ट हुए थे थर्सडे अर्ली मॉर्निंग, उसमें बचाव का प्रयास और राहत कार्य निरंतर जारी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा NH है मनाली का, वो 2 पॉइंट्स पे बहुत मेजर टूटा था, एक बिंदु ढाक पे और एक हमारा रायसन चरण पे। दोनों ही पॉइंट्स को वन वे ट्रैफिक के लिए रिस्टोर कर दिया गया है और दे कंटिन्यू टू बी लिटिल वल्नरेबल, लेकिन उन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है और अभी के लिए वन वे ट्रैफिक बहाल है। साथ ही साथ जो नेहरू कुंड के पास जो पॉइंट है वल्नरेबल, वहां पे भी काम बीआरओ की मशीनरी निरंतर लगी हुई है, तो कनेक्टिविटी मनाली की कम्प्लीटली रिस्टोर्ड है एज ऑफ नाउ। साथ ही साथ सैंज में भी हमारे जहाँ प्रॉपर्टी का कुछ लॉस हुआ था, उसका आकलन कर लिया गया है और उसको एज पर नॉर्म्स रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ मणिकरण और मलाना में जो लॉस हुआ था, तो वहाँ पे कुछ लोगों के स्ट्रैंडेड होने की खबर है, तो 15 लोग कल आ गए थे लोकल्स के साथ नीचे, कुछ लोगों की एडिशनल खबर थी। तो आज हमने 2 टीम्स, एक हमारे लोकल वॉलंटियर्स की टीम है, लिटिल रिबेल नाम से एक ग्रुप है, वो गए हैं उनको कल सुबह सुरक्षित नीचे लाने के लिए ट्रैकिंग रूट के वाया, और कुछ लोग हमारे चेयरमैन जिला परिषद के साथ कुछ वॉलंटियर्स, वो सेपरेटली लोकल्स के लिए, जो वहां से हमें मैसेज आया था कि कुछ मेडिसिन और डीजल फॉर रनिंग द टेलीकॉम, उसको लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ वी हैव 1 एडिशनल सैटेलाइट फोन जो आज शाम तक अवेलेबल हो जाएगा, तो उसको भी हम कल विद NDRF इफ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद सम फ्यूल, उसको भी कल हम भेजेंगे ताकि वहाँ कनेक्टिविटी रिस्टोर हो सके और उनकी नेसेसिटीज और नीड्स का पता चलता रहे। वहाँ पे नीचे जो चौकी और बलाधी के आसपास जो कनेक्टिविटी कुछ घरों की और एक स्कूल का संपर्क टूट गया था और वो काफी वल्नरेबल हो गए थे, तो वहां पर भी अभी काम किया जा रहा है उस कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने के लिए, रास्ते के थ्रू भी, पुल के थ्रू भी, जो थोड़ा सा समय लगाएगा, और साथ ही साथ स्पैन लगाने के लिए भी, और साथ में उसको थोड़ा प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है ताकि लोगों के घर बच सके। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान हमारा, जैसे आपको पता है, निर्मंड में 2 लोकेशन पे हुआ था, समेज और बागीपुल। तो बागीपुल में और उसके कोयल तक पूरे एरिया में ऑलमोस्ट 20 ब्रिज हमारे चले गए थे, लेकिन अभी वहां पे हमने एक बेली ब्रिज का काम आज शुरू हो गया है, 2 बेली ब्रिजेस का काम शुरू हो गया, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि 1 हफ्ते तक ये ब्रिजेस फंक्शनल कर दिए जाएंगे। तब तक टेम्परेरी दोनों एरियाज को कनेक्ट करने के लिए एक हमारा स्पैन और साथ ही साथ एक फॉरेस्ट के द्वारा टेम्परेरी वुडन ब्रिज भी लगा दिया गया है। लोग आराम से, मैंने खुद भी जाके विजिट किया, लोग आराम से आ जा पा रहे हैं, मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो हमारे श्रीखंड यात्रा के लोग थे वो लार्जली इवैक्यूएट कर दिए गए हैं। कुछ 10 से 20 लोग जो अपनी गाड़ी की वेट कर रहे हैं वो अभी ऊपर है और वो सेफ है, वहां राशन है, होटल्स है और हम उनसे संपर्क में भी है, और ये लोग होपफुली कल तक हम उस रोड को ठीक करके इन लोगों को भी इवैक्यूएट कर पाएंगे। बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वो चॉइस से बैठे, अगर वो नीचे आना चाहेंगे तो पैदल रास्ता भी है और हम उनके संपर्क में भी है। साथ ही साथ इस एरिया में, बागीपुल एरिया में, इलेक्ट्रिसिटी भी रिस्टोर कर दी गई है। इसके बाद जो हमारी समेज की साइट है जो निर्मंड में ही पड़ती है और साथ में उसके शिमला जिले का भी आपको पता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहां पे भी हमारे नायब तहसीलदार आज भी डिप्यूटेड है और वहाँ क्योंकि जो कनेक्टिविटी का इशू है वो शिमला साइड का है, लेकिन वहाँ पे आकलन जो एक प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला गया है और लोगों की सबसे बड़ी डिमांड है कि उसको जल्दी से जल्दी, क्योंकि 100 बच्चे इन्वॉल्व है, उनका पढ़ाई इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ऑल्टरनेट बिल्डिंग्स हमने आइडेंटिफाई कर ली है लोगों के साथ
कॉन्टैक्ट करके, और कल या परसों में प्रपोजल चला जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने ऑनरेबल सीएम के साथ वो स्पॉट विजिट किया था और उन्होंने अश्योरेंस दिए कि इमिडिएटली इसको बहाल किया जाएगा स्कूल को। साथ ही साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ ऑनगोइंग है। आज एक एडिशनल बॉडी भी उस साइट में मिली, एक 23 ईयर ओल्ड फीमेल की, और आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ऑनगोइंग है। जी, ये आंकड़ा 2 से बढ़ गया है जो पता चला है। बड़िंचा में 2 लोग और थे, एक साधु थे और उनके साथ एक हेल्पर था, और ये लोग भी हम इनका कंफर्म कर रहे थे, और ये ठियोग और रामपुर के थे, और पता चला है कि शायद ये भी वहां से अब मिसिंग हो गए हैं। तो 2 से आंकड़ा बढ़ गया, तो टोटल 12 लोग हमारे मिसिंग है, जिसमें से 1 की डेड बॉडी मिल गई है। तो आएंगे जी, कुल्लू में जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि 10 लोग मिसिंग थे, लेकिन एक बड़िंचा में अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 लोग और थे जो मिसिंग हैं, जो ठियोग और रामपुर के थे, और इनको भी हमने साथ में ऐड कर दिया। तो अभी 12 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 1 की डेड बॉडी रिकवर हो गई है। तो 11 मिसिंग हैं और 1 डेथ कंफर्म्ड है। ये कंपाइलेशन क्योंकि काफी हमारे 4 या 5 लोकेशंस पे लॉस हुआ था और हमारी टीम्स की फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्क्यू थी, तो हम आपको कल या परसों तक ये आकलन दे पाएंगे।